काशी तृप्ति की विशेषता ये है कि इसको हम छिलके सहित खा सकते हैं। तो इसको हमारे संस्थान ने पिछले वर्ष ही जो है वो विकसित हुई है, ये किसानों के लिए रिलीज की गई है ये मटेरियल। तो एक मटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग पाया जाता है, उसको कहते हैं सफ़ेद चूर्ण आसिता रोग, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये जो हमारी वैरायटी है उस रोग के प्रति भी प्रतिरोधी है। सर्दी के मौसम में मटर सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जी बन जाती है। मटर को बच्चा बूढ़ा कोई भी हो खाना पसंद करता है, क्योंकि मटर के अपने फायदे हैं और मटर का एक अपना टेस्ट है। टेस्ट की बात करें तो अभी तक मटर को हम लोगों ने केवल उसकी दानों के टेस्ट के लिए हमने खाया कि मटर में मिठास नहीं है, मटर में जो एक मिठास होती है वो हमें कैसी लग रही है, वो ज़्यादा आकर्षित करती है। लेकिन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसी मटर की किस्म विकसित की है जो आप मटर के दानों के लिए नहीं बल्कि छिलकों के लिए भी आप खा सकते हैं। मेरे हाथ में ये मटर है, अभी इसके दाने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये मटर है। ये चपटे शेप में है, ये काशी तृप्ति है, ये वर्ष 2023 में विकसित हुई है, ये प्रजाति अब किसानों के लिए उपलब्ध है। और हमारे साथ में प्रधान वैज्ञानिक हैं, आप ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस मटर को डेवलप किया, किस तरीके से ये मटर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका अगर छिलका भी खाएंगे तो आपको दानों से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। विदेशों में ये कल्चर तो है, लेकिन हमारे इंडिया में अभी ये कल्चर नहीं आया है, क्योंकि ऐसी कोई प्रजाति नहीं थी। जो एडिबल पाउडर्ड पी यानी कि छिलके सहित खाने वाली जो मटर है, इसका एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया? जैसे कि आप घरों में देखते हैं, जब भी आप एक किलो मटर लेते हैं तो उसमें आपको 400 या 500 ग्राम दाना ही मिलता है और बाकी जो आपका छिलके में चला जाता है। तो यहीं से जो कॉन्सेप्ट आया एडिबल पाउडर्ड मटर का। तो इस काशी तृप्ति की विशेषता ये है कि इसको हम छिलके सहित खा सकते हैं। और ऐसा क्यों है? इसमें एक विशेष गुण होता है। वैज्ञानिक तौर पर हम कहें तो इसके जो ये छिलका है इसमें एक पार्चमेंट लेयर होती है, जिसको कि हम चरम पत्री कहते हैं या चरम परत कहते हैं, वो इस तरह के मटर में नहीं पाई जाती है। तो उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप इस मटर को खाएंगे तो आप इसको थूकना नहीं पड़ेगा, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो इस एडिबल पाउडर्ड मटर को हम एक देखा जाए तो जो खास करके विदेशों से एक कल्चर आया था और वहाँ पे इस मटर को जो है वो सलाद की तरह या फिर स्टिर फ्राई करके, जैसे हल्का सा फ्राई करके खाते हैं। तो इस मटर को खाने का क्या फ़ायदा है? जी हाँ, इसके कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमको डॉक्टर लोग जो है वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करिए। क्यों करिए? क्योंकि हरी सब्जियों में पौष्टिक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं और हमारे कुछ जैसे कि वाइटामिन्स हैं, जब हम कोई भी सब्जी हम कुक करते हैं तो कुछ वाइटामिन्स जो है लॉस हो जाता है। तो जब हम कोई भी सब्जी है, ना केवल मटर, इसको हम हरे रूप यानी कि ताज़ा खाते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे वाइटामिन्स भी मिलते हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और साथ ही साथ क्लोरोफिल भी जो है वो इसमें एसएच होगा जब आप इसको खाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो जो है आपको ज़्यादा मात्रा में जो है पोषक तत्व मिलेंगे। और जहाँ तक बात की जाए इसकी डेवलपमेंट की, तो इसको हमारे संस्थान ने पिछले वर्ष ही जो है वो विकसित हुई है, ये किसानों के लिए रिलीज़ की गई है ये मटेरियल। और इसका जो अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी की, तो मैं कहूँगी कि गांव-गांव में अभी तक तो इसका कल्चर नहीं है और शायद बहुत सारे हमारे किसान भाई होंगे जो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। पर अब इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुँच रही होगी। और जो हमारी 5-स्टार होटल्स हैं वहाँ पे ख़ास तौर पर ये जो मटर है वो सैलड के तौर पे जो है कस्टमर को खिलाया जाता है और इसके बहुत ऊंचे दाम भी उनको मिलते हैं। और इस प्रजाति को हमने संकरण विधि के द्वारा जो है बनाया है। और इसकी अब मैं विशेष बातों का की ओर आऊँ तो ये जो मटर की किस्म है हमारी, ये एक मध्यवर्गीय जो है एक किस्म है, यानी कि मटर में जो हमारी कहें तो जो हमारी प्रजातियां हैं वो तीन तरह से विभाजित है, अगेती किस्में, मध्यवर्गीय किस्में और लेट किस्में। तो मध्यवर्गीय किस्में जो होती हैं वो लगभग उनमें जो फूलों पौधों में जो पुष्पण है लगभग 50 से 55 दिन में आता है और उसके बाद जो फली है 25 से 30 दिन में उसमें रेडी होती है। तो ये जो हमारी ये वैरायटी है काशी तृप्ति, ये एक मध्यवर्गीय
ऑर्गियो एडिबल पाउडर्ड वैरायटी है, जिसमें कि फूल आने में लगभग 45 से 50 दिन का समय लगता है और उसके बाद फली जो है वो लगभग 80 दिनों के आसपास आपकी तैयार हो जाती है। अगर बात करें हम इसकी तुड़ाई की, तो इसमें हम 2 से 3 तुड़ाई जो है ले सकते हैं। और अगर आप इसके ध्यान दे पा रहे हैं इसके पौधों पे, तो ये इसका पौधा जो है लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और फलियां इसमें लगभग 12 से 15 फलियां आपको एक पौधे के ऊपर मिलेंगी। और हर एक फली का औसत भार अगर हम देखें तो लगभग 7 से 10 ग्राम के बीच में ये रहेगा। और दाना जो है इनिशियल अवस्था में जो होता है, प्रारंभिक अवस्था में दाने का जो डेवलपमेंट है वो स्लो होता है, पर धीरे धीरे ये दाना भी इसमें ठीक ठाक बन जाता है। और इसके बाद अगर हम इसकी और विशेष गुण की बात करें, तो एक मटर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग पाया जाता है, उसको कहते हैं सफ़ेद चूर्ण आसिता रोग, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये जो हमारी वैरायटी है उस रोग के प्रति भी प्रतिरोधी है, और साथ ही साथ उच्च तापमान, क्योंकि मटर एक ठंडी जलवायु वाला पौधा है, तो जैसे ही टेम्परेचर 10 से 18 जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वो इन सब के लिए सबसे अच्छा माना जाता है मटर की खेती के लिए। परंतु जब ये टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री या इससे ऊपर पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली मटर की कोई भी प्रजाति होगी उसका जो उत्पादन है कम हो जाता है। तो हमारी जो ये वैरायटी है उच्च तापमान के लिए भी सहनशील है। तो कुल मिला के ये हमारी जो संस्थान द्वारा जो ये वैरायटी रिलीज़ की गई है, मुझे लगता है आने वाले समय में किसानों के बीच पॉपुलर होगी, और मुझे लगता है कि किसानों को भी इसको पॉपुलर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार, मैं कहूँगी हमारी जो थाली है उसमें एक बहुत ही पौष्टिक आहार होने का काम करेगा। डॉक्टर ज्योति ने बताया कि किस तरीके से ये मटर आने वाले समय में किसानों के लिए हमारे जो खान पान के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने का काम करेगी। एडिबल मटर पहली एडिबल मटर है और जिसको भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। ये मटर मतलब कोई भी खाए, मैं भी खा सकता हूँ, और बिल्कुल एकदम जैसे सैलेड खाते हैं उस तरीके से इसमें कोई भी रेशा नहीं दिखा, कुछ भी नहीं है, और खाने में मुझे जब मिठास लग रही है तो शायद आपको भी लगेगी। और इस मटर के अपने फ़ायदे हैं, यूँ कहें कि आम के आम गुठली के दाम, मतलब हम अगर मटर के छिलके को भी खा रहे हैं और उससे भी हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इससे किसान अगर इस मटर के बीज को, जो कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वर्ष 2024 से उपलब्ध होगा, और इसको लेकर खेती करता है, तो निश्चित तौर पे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस मटर की मांग शहरों में और हमारे होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होने वाली है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।